भारत के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जिस हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी मोदी जी के नेतृत्व में, अब वह बनकर के रहेगा, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं पाएगा। आपने अयोध्या में राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्यक्रम को देखा होगा, देखा है ना? ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए उद्धव जी ठाकरे और पवार साहब, ये सब क्या कहते थे? कहते थे कि ये 100 जन्म भी ले लेंगे तब भी मंदिर नहीं बना पाएंगे, बोलते थे ना ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले, यही कहते थे कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग तब भी बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं। और जो कहा वो करके दिखा दिया ना, कोई संदेह है क्या? लेकिन इंडी गठबंधन वाले क्या कहते हैं बहनों और भाइयों? दो बातें खतरनाक इनके मुंह से निकलती हैं। एक तो कहते हैं कि राम मंदिर अगर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो फिर राम मंदिर को क्या करना है ये हम तय करेंगे। हमने कहा भी देखो रामलला तुम्हें इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि तुम दिल्ली पहुंच सको। दूसरा इन लोगों के द्वारा हमेशा प्रयास किया गया, ये डराते थे, कहते थे अगर राम मंदिर हिंदुओं के पक्ष में अयोध्या का फैसला आ गया तो दंगे हो जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया, प्रधानमंत्री जी ने कृपा करके वहां शिलान्यास भी किया, राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, रामलला विराजमान भी हुए, कहीं तिनका नहीं हिला, तिनका नहीं हिला। दंगा तो बात बहुत दूर की है। और मैं इन इंडी गठबंधन वालों को भी कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में तो पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा ही नहीं हुआ। अगर हम लोग रामलला को आप सबके आशीर्वाद से, भारत की जनता के आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में विराजमान कर सकते हैं तो बड़े बड़े माफिया और दंगाइयों का राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकाल सकते हैं। और ये हुआ है ना, देखो पहले जो बड़े बड़े माफिया वहां पर सत्ता का संचालन करते थे, धमकाते थे, अराजकता फैलाते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, वहां के विकास के बैरियर बने हुए थे, हमने बुलडोजर चला करके एक झटके में उनकी सफाई कर दी है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया, अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि यह भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। बहनों और भाइयों, हमें अगर
एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो सबकी भावनाओं का सम्मान करना होगा, भारत के महापुरुषों को सम्मान देना होगा, भारत के देवी देवताओं को हर हाल में उनके प्रति आदर का भाव रखना होगा, हर बेटी को पूरी सुरक्षा देना होगा, हर व्यापारी को संरक्षण देना होगा, हर युवा के हाथ को रोजगार देना होगा, हर चेहरे पर खुशहाली लाना होगा। और यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का पाठ है, और यही कार्य तो मोदी जी कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है बहनों और भाइयों, ये नया भारत, इस भारत में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद कर लगाम कसा गया है, और आपने भी देखा है आतंकवाद और नक्सलवाद तो पूरी तरह नकेल कसा ही गया है, लेकिन अगर कहीं पटाखा का भी थोड़ा सा जोर से आवाज हो जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है, मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी। और कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था, आतंकवाद होता था, मुंबई विस्फोट हुए थे, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, यूपीए सरकार कहती थी आतंकवादी सीमा पार के हैं। अरे सीमा पार के हैं तो आपकी मिसाइल कब के लिए है, जैसे मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को पूरी तरह तबाह किया। और अब तो आपने देखा होगा ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने ये लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए, और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। भाई जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे, अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा, कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं, भाई हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, जिसका वो हकदार है, और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पाकिस्तान से यही तो बोलते थे ये लोग। आज अगर वह कुछ करता है तो वो थोड़ी सी टेढ़ी नजरों से देखता क्या है कि उससे पहले कि वो भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करे उसकी नजरों को ही निकाल करके बाहर कर दिया जाता, कहा जाता चुप ये नहीं चलेगा। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, बिना रुके बिना डिगे बिना हटे बिना डरे आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है आप सबके सामने है। अभी मैं देख रहा था मुंबई से नागपुर का समृद्धि एक्सप्रेसवे, मैं देख रहा था महाराष्ट्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में माननीय गडकरी जी ने कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, हाईवे का, रेलवे का कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, नमो भारत, वंदे भारत, अमृत भारत, अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास ट्रेन, मेट्रो, और युवाओं के लिए IIT भी है,
IMBA, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, एम्स, दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा भी मिल रही है और एजुकेशन के बेहतरीन संस्थान भी आज प्राप्त हो रहे हैं। हर घर नल भी है और नल पर जल भी है। बहनों और भाइयों, आप सोचो, कांग्रेस इंडी गठबंधन जो आज बना है, इनके समय में गरीब भूख से मरता था। आज मोदी जी 25 करोड़ यानी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। और यही नहीं, जो ये लोग पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। मात्र 23 करोड़ कमबख्त पाकिस्तान, आप सोचो कहां पहुंचा दिया इन्होंने पाकिस्तान को। अरे हिंदुस्तान में रहता तो भूखों नहीं मरता, उनको भी फ्री में राशन मिलता। लेकिन आज गली मोहल्लों में कुछ जीव लड़ते हैं ना एक रोटी के टुकड़े के लिए, यही पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी होती है। आंदोलन चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ पाकिस्तान में जाके भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगो, हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हुए हो। जाओ ना वहीं पे, जाओ वहां पे पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो, क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो। हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता है।